हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। WWE का बेस्ट पेपर समर स्लैम एंड हो चुका है एंड न्यू पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल आने वाला है। जैसे कि आप जानते हो कि भाई अब ट्रिपल एच ने WWE की कमांड संभाल ली है, तो उन्होंने बेस्ट से बेस्ट मैसेज फिक्स कर दिए हैं। और भाई साहब, सबसे बेस्ट जो चीज क्लैश एट द कैसल में होने वाली है वो है भाई माई फेवरेट रेसलर जॉन सीना। दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और 100% कंफर्मेशन है कि जॉन सीना क्लैश ऑफ द कैसल्स में रिटर्न्स आने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोल करके आपको पूछ लिया था कि भाई जॉन सीना क्लैश ऑफ द कैसल्स में रिटर्न्स आने वाले हैं, तो आप किस के साथ उनका मैच देखना चाहोगे, तो भाई उसी को लेकर आज हम जॉन सीना वर्सेस हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बीच में मैच करने वाले हैं, जो की होने वाला है एक टेबल मैच। तो फटाफट से गाइस मैच को स्टार्ट करते हैं। और मैच को स्टार्ट करने से पहले भाई लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स गो। और भाई मैच के रूल्स कुछ इस तरह होने वाले हैं कि यहाँ पर तीन राउंड्स होंगे, तीनों ही राउंड्स बाई टेबल्स मैच होंगे और ये मैच होगा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और फिर भाई देखना ये होगा कि कौन सा सुपरस्टार WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर जाने वाला है। राउंड वन फाइट। तो भाई साहब, यहाँ पर जॉन सीना कम बैक करते हुए जैसे कि रिटर्न आए और यहाँ पर भी काफी अच्छा कम बैक किया, बट रोमन रेंस नहीं चलने दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। दोनों सुपरस्टार काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, इसके इनके साथ साथ मैं भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। कास्ट क्लैश एट द कैसल्स में जॉन सीना रिटर्न आए और रोमन्स को चैलेंज कर दे, या फिर जॉन सा भी सुपरस्टार ड्रू जीते या फिर रोमन जीते, कोई सा भी सुपरस्टार जीते और उसको डायरेक्ट चैलेंज दे दे। 16 टाइम चैंपियन तो बने हुए हैं भाई जॉन सीना, मे भी 17 टाइम बन जाए अगर जॉन सीना को लेकर ट्रिपल एच कुछ अलग सोच रहे हो तो। बाय द वे, क्लैश एट द कैसल्स में तो कमबैक करने वाले हैं, रिटर्न्स आने वाले हैं जॉन सीना। और यहाँ पर अब देखना ये रहेगा हमारा कि जॉन सीना यहाँ पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्या ये मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि भाई साहब रोमन ने अपनी स्ट्रेटेजी अपना ली है, टेबल्स लेकर आ चुके थे रिंग के अंदर, टेबल्स को इतनी जल्दी ब्रेक करने नहीं देंगे। मैच की डिफिकल्टी आपको मैं बता दूं, लीजेंड्स है, कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर है, तो इतनी जल्दी एंड होने वाला नहीं है भाई मैच का, ठीक है। जॉन सीना ने खोल लिया भाई यहाँ पर टेबल और अब क्या करने जा रहे हैं, लगा भाई साहब मैच को एंडिंग की ओर ले जा रहे हैं जॉन सीना, क्या ही करें। नो भाई साहब, ये क्या था भाई साहब, ये क्या था, न्यू चैंपियन मतलब इतनी जल्दी रोमन रेंस को हरा दिया, माय गॉड, मुझे तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा। तो गाइस राउंड वन हमारे जॉन सीना जीत चुके हैं और इनको जाता है एक पॉइंट। अब बारी है राउंड टू की। हेलो भाई साहब, एक बार फिर से रोमन रेंस डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं जॉन सीना को। अब यार फेवरेट तो फेवरेट ही रहेंगे वैसला, पहली बार तो जॉन सीना जीत चुके थे भाई, देखो ठीक है। अब ये फाइनल रहते दो मैच ही होंगे, अगर ये मैच रोमन रेंस जीत गए तो फिर एक मैच करवाऊंगा, उसमें फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर ये मैच में जॉन सीना जीत गए तो भाई साहब फिर जॉन सीना ही जीतने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट मैच जॉन सीना जीत चुके हैं, पता नहीं क्या ही कांड किया जॉन सीना ने, अचानक से ही दे रहे थे कुछ अलग ही मूव्स लेकिन टेबल सेट करके दे रहा तो टेबल्स भी ब्रेक हो गई भाई। पर WWE 2K22 में यही तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर बेनिफिट वाला भी है कि OMG मूव्स हटा दी है। आप देखोगे कि WWE 2K20 2K19 में यहाँ पर OMG मूव्स मिलेगी, जब तक आपको फिनिशर्स या कुछ आपके पास नहीं होगा तब आप OMG मूव्स या टेबल्स को ब्रेक कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। WWE 2K22 गेम में यहाँ पर आप एक बार सेट कर देना तो फिर कोई भी मूव्स दो तो फिर समझ लेना वो ब्रेक ही हो जाएगी। भाई जब ये रोमन रेंस कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले भाई, जॉन सीना रोमन रेंस के पीछे पीछे भाई टेबल्स लेके आ रहे हैं, मैच अलग लेवल तक जाने वाला है भाई साहब, बिल्कुल अलग लेवल तक जाने वाला है, काफी खतरनाक सुपरस्टार आपस में लड़ रहे हैं भाई, तो मैच में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। अब वापस रिंग की ओर दोनों, पहले रोमन आगे थे जॉन सीना पीछे, अब जॉन सीना आगे रोमन पीछे, बट जॉन सीना कुछ अलग ही क्या निकालने वाले थे भाई। अच्छा ऑडियंस चिल्ला रही है विपॉन टेबल, तो टेबल्स निकालने की फिर से तैयारी थी, एक टेबल तो भाई जॉन सीना ने उधर ही फेंक आए, अब क्या चीज क्या अपनाएंगे, जॉन सीना टेबल लाने गए भाई, लो रिंग के अंदर टेबल्स आएगी क्या, उससे पहले जो रोमन रेंस नीचे चले गए, लो भाई साहब जॉन सीना लेके आ चुके हैं टेबल एक बार फिर,
और ये सेट कर दी है। और भाई साहब मैच एंडिंग की ओर जाने वाला है बहुत ही जल्द। लो लो भाई, हार गए रोमन रिंग्स। अरे अरे भाई साहब, इस बार टेबल ब्रेक नहीं हुई। इस बार मेरे को लगता है कि भाई टेबल्स है वो अच्छी खासी लकड़ी की बनी हुई थी भाई, इसी वजह से जल्दी से ब्रेक नहीं हुई। पहले मैच में तो भाई इतने टूटो रहे भाई, सुपरमैन पंच दे दिया। ग्लिटिन लगाएंगे, आई थिंक ग्लिटिन ही लगाएंगे। ग्लिटिन देखे, ओ भाई जॉन सेना ने रिवर्स करके भाई फिनिशर्स का आ गए भाई रोमन रिंस की जॉन सेना। और भाई ये जॉन सेना का रिटायर है ना 2006 का है, अभी जो 2000 क्लैश एट द कैसल्स में कमबैक करने वाले, रिटर्न्स आने वाले, उसका टायर्स भी मैं ज़रूर लेके आऊँगा, उसका गेम प्ले भी। फिलहाल के लिए मुझे जल्द से जल्द आपकी कम्युनिटी पोल के अकॉर्डिंग वीडियोस बनानी थी, तो मुझे यही अटायर मिला। रोमन रेंज के फैंस लोग, मैं भी हूँ, आप ही नहीं हो, मैं भी हूँ, मुझे ये प्रेयर करो कि भाई रोमन रेंज इस मैच में जीत जाए, क्योंकि अगर ये मैच रोमन जीतेंगे तभी एक और मैच हो पाएगा इन दोनों के बीच में। अदरवाइज ये मैच अगर रोमन रेंस जीत के, ओ भाई सब लोग सुपर ए आने वाला है, सुपर ए ए रोमन रेंस ने नहीं किया रिवर्स और सुपर ए, खतरनाक भाई खतरनाक। ओ भाई सब लो भाई सब मिशन डाल दिया, इसके साथ साथ सब मिशन डाल दिया भाई, खतरनाक डैमेज देखने को मिला। और जॉन सेना के पास फिर से आ चुके हैं फिनिशर्स। भाई ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रोमन रेंस ने किया खतरनाक रिवर्सल, खतरनाक सबमिशन देकर खतरनाक रिवर्सल रोमन रेंस और जॉन सेना के बीच ही हो सकता है भाई, और दूसरा सुपरस्टार नहीं कर सकता। ठीक है, अब नीडल्स मूवर है तो इस मैच में कुछ ना कुछ अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। जैक हैमर, जैक हैमर भाई साहब, बूम, इतना टाइम थोड़ी देंगे जॉन्स। ओ लो भाई, अब ब्लड लाइन के पास हमारे रोमन रेंस के पास, ओ लो ये ब्रेक हुई भाई। फाइनली इस मैच में रोमन रेंस जीत चुके हैं भाई, भाई सेकंड राउंड में रोमन रेंस विनर हो चुके हैं। अब दोनों सुपरस्टार के पास एक एक पॉइंट हो चुका है। फाइनल राउंड में जो सा भी सुपरस्टार जीतेगा वो ही आखिरकार विनर होने वाला है। तो लो भाई थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड जॉन सेना जीते, सेकंड राउंड रोमन रेंस हमारा ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं। अब थर्ड राउंड वही टेबल्स मैच, इस बार जो भी सुपरस्टार टेबल्स को तोड़ देगा पहले वो बनेगा हमारा न्यू या फिर स्टिल WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो भाई फिर से रोमन रिंस स्टार्टिंग में जॉन सेना को फिर से डोमिनेट कर रहे हैं, काफी खतरनाक डैमेज दे रहे हैं। यहाँ पर रोमन रिंस लेके आ चुके हैं टेबल को और सेट करने वाले हैं। लो भाई साहब डैमेज देके जॉन सेना को और सेट कर दिया है। इनके पास एक फिनिशर्स भी है, मैच एंडिंग की ओर जाने वाला है भाई। लो भाई रोमन रिंस ने तो सेट की थी टेबल को, क्या हुआ दूसरी टेबल। ओ भाई साहब थोड़ा ये टेबल तो पूरी डैमेज भी हो चुकी है, अगर थोड़ा सा भी डैमेज लगा ना इसके ऊपर, ये देखो तो ये टूट जाएगी। लो भाई देखो कितनी डैमेज टेबल को, जॉन सेना दिमाग लगा रहे हैं भाई, इतनी अगर इन्होंने इसका कॉर्नर भी टच करवा दिया ना रोमन रिंस का, तो ये टेबल ब्रेक हो जाएगी और आसानी से जॉन सेना जीत जाएंगे। देखो न्यू टेबल को इन्होंने सेट नहीं किया, जो देखो अब देखना ये, अरे बच गया भाई रोमन रिंस। कवर करने की सोच रहे थे क्या भाई, टेबल्स मैच है। ओ भाई स्पीयर, भाई जॉन सेना गए थोड़ा सा नहीं नहीं क्या, रोमन रेंस स्पीयर नहीं दी भाई, कुछ अलग ही सोच रहे हैं भाई फाइनल मैच के लिए जॉन सेना को लेकर। भाई जॉन सेना का कमबैक है तो जॉन सेना को जितवाओ यार, एक मैच तो जितवा दिया, ये मैच और जितवाओ यार, न्यू चैंपियन 17 टाइम। लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर भाई जॉन सेना 5 नकल सकल। ओ भाई साहब एक साथ हमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट और 5 नकल शवल यहाँ पर आपको देखने को मिल गए यार। इसके लिए तो लाइक कर दो यार वीडियो की जल्दी से जल्दी। लो भाई फिर से एटीट्यूड एडजस्टमेंट आने वाली है भाई जॉन सेना रोमन रेंस की, तो वॉट लग, अरे भाई रिवर्स किया, सुपरमैन पंच देने वाले थे बच्चे यार, क्या ही मैच हो रहा है भाई क्या ही मैच। लो भाई फिर से जैक हैमर, दोनों सुपरस्टार के पास एक एक फिनिशर्स है, बट जॉन सेना भाई सुपरमैन पंच से बचे, काफी खतरनाक तरीके से बचे भाई। स्पीयर नहीं दिया रोमन रेंस ने, लेकिन जॉन सेना ने 5 नकल सुपल दे दी, एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया भाई, एक बार फिर से देने जा रहे थे बट रिवर्स कर दिया। लो भाई मैच एंडिंग की ओर जा रहा है, रिवर्स कर यार भाई जॉन सेना ने, अभी मैच कहाँ एंडिंग यार, क्या करने वाले है भाई जॉन सेना। भाई दोनों सुपरस्टार काफी अग्रेसिव मूड में है, मतलब
हार मानने को कोई भी तैयार नहीं है। लो रोमन रेंस ने किया सेट, भाई जॉन सेना को बाइक गए। अरे भाई साहब, मेरे को लगा भाई ये मैच तो रोमन रेंस अभी जीतने वाले हैं, लेकिन भाई रिवर्स किया भाई, खतरनाक, सही टाइम पे काउंटर किया। लो टेबल की से, अले भाई साहब एटीट्यूड एडजस्टमेंट, बूम फिर से भाई, दो दो तीन तीन फिनिशर्स दे चुके हैं रोमन रेंस को। ले हाई फ्लाई मूव्स भाई, बूम। लो भाई इतना खतरनाक डैमेज भाई, फुल्ली मूड में आ चुका है भाई जॉन सेना, ब्लड में आ चुका है भाई रोमन रेंस का, इतना खतरनाक एग्रेसिव भाई। हील कैरेक्टर में रिटर्न होना है क्या जॉन सेना? हील तो हमारे रोमन रेंस है भाई। दोनों सुपरस्टार अग्रेसिव मूड में है और हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है भाई। खतरनाक डैमेज, जॉन सेना की बॉडी रेड हो चुकी है, बाकी लेग्स और हैंड अभी येलो ही है, लेकिन ब्लड लाइन जो हमारे रोमन रेंस है उसकी सिर्फ चेस चेस, मतलब पूरी बॉडी अभी रेड नहीं हुई है, थोड़ी सी बॉडी रेड हुई है। और लो भाई साहब इस बार रोमन रेंस ने कर दिया टेबल्स को सेट और ब्लीडिंग लगाकर लो भाई स्टंट किएंगे, मतलब पूरी तरह से डैमेज दे दिया जॉन सेना को। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई भाई, टैप आउट किया गया भाई, टेबल्स ब्रेक करनी है, जॉन सेना ने टैप आउट भी कर दिया। अरे यार जॉन सेना ये, हाँ ये हुई बात, देखो जॉन सेना ने अच्छा खासा टैप आउट करके अपना रिस्पेक्ट बचाई यार, रिवर्स करिए ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, टेबल्स को ब्रेक? नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगला मूव क्या होने वाला है, क्या करने वाले दोनों सुपरस्टार। टेबल्स तो सेट है, लो भाई जॉन सेना गए गए जॉन सेना गए गए भाई साहब। द रोमन रेंस भाई साहब, लास्ट में रोमन रेंस ने अपनी टाइटल डिफेंड कर ली जॉन सेना के अगेंस्ट, लेकिन मैच का लेवल भाई काफी खतरनाक जा चुका था एंडिंग फाइनल राउंड। ठीक है भाई, रिजल्ट आपके सामने, विनर है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। बाय द वे, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।